अभियान के लिए कमर कस रही है। प्रचार थमने से पहले राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने यहां कई जनसभाएं की और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अंतिम दौर में चल रहा है। प्रचार थमने से पहले राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 4 और 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने यहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते हुए जनसभा को संबोधित किया और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। झूठ बोलना, बहकाना, एक एक प्रकारेण सत्ता हड़प लेना और सत्ता जब प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने वाली सत्ता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना देना। पहले केवल माइनिंग का आरोप लगा था और माइनिंग के भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा था। इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया। भाइयों बहनों, हमें आश्चर्य आता है यहां की सरकार धर्मांतरण की अनैतिक गतिविधियों को प्रश्रय देती है। भोले भाले गिरवासी वनवासी आदिवासियों को बहका करके उन्हें अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ भड़काने का कार्य करती है और भाइयों बहनों उन्हें सुविधाओं से वंचित करके बहकाने का जो पाप यहां की सरकार कर रही है यह क्षम्य पाप है। कांकेर और राजनांदगांव के बाद सीएम योगी छत्तीसगढ़ के कबीरधाम पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को विकास से दूर रखा जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि रामराज में बिना भेदभाव सभी का विकास हो रहा है। राम राज्य की जिस आधारशिला को 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर विकास सुरक्षा और सुशासन के माध्यम से स्थापित किया, उसका सहभागी छत्तीसगढ़ भी बने, इसके लिए डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में भी आवश्यक है। एक ओर मोदी जी के नेतृत्व की विकास सुशासन और सुरक्षा वाली सरकार बिना भेदभाव के जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा देखे बगैर शासन की योजनाओं का लाभ पूरे देश को समान रूप से दे रही है। विकास सबका लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। मकान सबको, शौचालय सबको, स्वास्थ्य की सुविधा सबको, राशन सबको, लेकिन सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के साथ कठोरता पूर्वक निपटने की तैयारी भी। आम जनता में सीएम योगी की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने उन्हें छत्तीसगढ़ में स्टार प्रचारक के रूप में उतारा है। अब उनके इस दौरे से भाजपा को कितना फायदा होगा ये तो आने वाले चुनाव के नतीजों में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और आगे बढ़ते हैं।